लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिक्र मत करो, अभी पहुंच जाएंगे। अरे संभाल के, संभाल के। सुनिए जी, अब और मुझसे नहीं होगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। आसपास कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही, वरना तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। अरे हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। संभाल के, संभाल के पार्वती, संभाल के। अरे देखो सामने मंदिर है, वहीं चलते हैं। आ जाओ, संभाल के, संभाल के पार्वती। ले जा, ले जा। ये लो। माता, कहते हैं संसार में जन्म और मरण सब तेरे हाथ में है देवी माँ। आज तेरे चौखट पे मेरे बच्चे का जन्म होने वाला है, इसकी रक्षा तेरी जिम्मेदारी है माँ, तेरी जिम्मेदारी है। शुक्ल राशि का स्वाति नक्षत्र है, देवी माँ का नक्षत्र। इस परम पवित्र नक्षत्र में जन्म लेने वाली ये बच्ची साक्षात देवी माँ वैष्णवी का अवतार है। इस बच्ची के जन्म लेते ही पंचभूत प्रसन्न होकर पूरे गांव को हरियाली और खुशहाली से भर देंगे। माता वैष्णवी के मंदिर में जन्म लेने वाली इस बच्ची का नामकरण मैं वैष्णवी कर रहा हूँ। वैष्णवी। माता आई है, वैष्णवी के शरीर में देवी माँ आई है। सबका भला होगा, गांव में खुशहाली होगी। साक्षात देवी माँ ने आपके घर में जन्म लिया है भाई साहब। आह, लेकिन मेरी बच्ची को भी दूसरे बच्चों की तरह हंसने खेलने का मन करेगा ना पंडित जी? चिंता मत कीजिए उदय शंकर जी, हर आषाढ़ मास की चतुर्दशी के दिन ही देवी माँ बच्ची के शरीर में वास करेंगी इन गाँव वालों के कष्ट दूर करने के लिए। इसके अलावा 364 दिन वैष्णवी दूसरों की तरह सामान्य बच्ची बनकर रहेगी।
सब गायब हो गए। एक हफ्ते से पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। लगता है फूलों को रोज कोई चुरा रहा है यहाँ से। आप गांव में नई नई आई हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। ये सारे फूल वैष्णवी ने तोड़ लिए हैं। सिर्फ तुम्हारे घर से नहीं, गांव के सभी घरों से वो फूल तोड़ती है। लेकिन इतने सारे फूलों का वैष्णवी क्या करेगी? साथ ले लीजिए पंडित जी। अरे क्या हुआ आपको, नाराज है मुझसे? और नहीं तो क्या बिटिया, जो पूजा पाठ मुझे करना था वो तुमने कर दिया। मैं पूरे गांव को प्रसाद देता हूँ और तुम हो के मुझे ही प्रसाद दे रही हो। अच्छा तो ये बात है, भूल हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। मजाक कर रहा था बिटिया। वैसे भी मैं कहूँ कि वैष्णवी ने गलत काम किया तो पूरे गाँव में कोई नहीं मानेगा। ये मंदिर तेरा है और ये देवी भी तेरी। हमेशा गांव का भला हो, इसका भला हो, उसका भला हो, यही मन्नत मांगती हो। लेकिन कभी अपनी शादी के लिए मन्नत क्यों नहीं मांगती हो बेटी? अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती मैं, मुझे क्या जरूरत है, वो माँ खुद जानती है। अब मैं चलती हूँ पंडित जी। अच्छी बात है बेटिया। बेटी आओ, बेटी वैष्णवी, तुम एक बार हमारे घर में कदम रखोगी तो घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इतने प्यार से बना घर किसी मंदिर से कम नहीं है चाचा जी। अंदर आ जाओ बेटी। माँ देर करोगी तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मुझे जाने दो ना। फ्लाइट मिस हो जाए या कुछ भी हो जाए, जब तक शगुन बनकर वैष्णवी नहीं आती तेरा निकलने का सवाल ही नहीं उठता। वो देखिए बहन जी, वैष्णवी आ रही है। बेटी वैष्णवी, पिछले साल तुमने कहा था ना कि विनय को नौकरी मिल जाएगी, इसे अमेरिका में नौकरी मिल गई। हाँ दीदी, मैं चलता हूँ, अब दोबारा मंदिर के त्योहार में कब आ सकूंगा पता नहीं। सुनो भैया, विदेश में जाकर अपना वजूद मत भूलना, अपने माँ बाप को भी मत भूलना और अपने उसूलों को भी कभी मत छोड़ना। देवी माँ तुम्हें खुश रखे। अच्छा दीदी, आ जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम राजेश है, मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता सिवाय एक वैष्णवी के। मैंने उसे क्यों प्यार किया ये तो नहीं जानता, लेकिन कितना प्यार करता हूँ ये जानता हूँ, अपनी जान से भी बढ़कर। आपके बारे में तो सुना है, लेकिन अपने बारे में बताने के लिए मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए। हाँ वर्मा जी, इस लड़के ने अपने दिल की बात बोल दी। लड़का तो अनाथ है लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है। राजेश का अपना कोई रिश्तेदार नहीं, वैष्णवी से शादी होने के बाद ये भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम क्या कहते हो उदय शंकर? क्या सोच रहे हो वर्मा जी? पंडित जी बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं, वैष्णवी आपकी बेटी जरूर है लेकिन हम गाँव वालों के लिए वो देवी समान है। वर्मा जी ज्यादा मत सोचिए, इससे शादी करवाओगे तो हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने इसी गाँव में रहेगी। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं एक बार अपनी बेटी से तो पूछ लूं। ये भी ठीक है। देखो राजेश, तुम्हारे हाथ में जिसे सौंप रहे हैं वो सिर्फ वैष्णवी नहीं है, हम गांव वालों के प्राण हैं। देखो बेटा, तुम्हें एक बात बतानी है। हर साल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हमारी वैष्णवी के शरीर में देवी माँ आती है। जब ये पत्नी होगी
एक पति बनकर प्यार करूंगा और जब ये देवी होगी तो एक भक्त बनकर पूजा करूंगा।
क्यों उदय शंकर जी आज घर पर ही बैठे हैं? अपनी नतनी के साथ खेल रहा हूँ। बेटा ठीक तो हो ना? ठीक हो पंडित जी। क्या बात है, गांव के सभी लोग इकट्ठा यहाँ? क्या वर्मा जी, मंगलवार से हमारे मंदिर का उत्सव है, याद नहीं? हाँ क्यों नहीं, हमारी परंपरा है कि उत्सव की शुरुआत इसी घर से होती है। शुभकामनाएं, देरी क्यों? बिटिया को हल्दी कुमकुम का थाल दो। बेटे और बहू को अरसे से बच्चा नहीं हुआ है, आखिर इनका संतान योग है कि नहीं, बताइए माँ। योग है, अवश्य है, तुम्हारी बेटी को बच्चा अवश्य होगा। अच्छा माँ। माता, मेरे पति 2 साल से रोग से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। उसकी आयु लंबी है, वो रोग से मुक्त हो जाएगा, अपनी मन्नत पूरी कर। उदय शंकर। हाँ माता। तेरी आंखों में जो खुशी के आंसू हैं, वो दुख के आंसू में बदलने वाले हैं। दिल पे पत्थर रख लो माता, अपने दिल पे पत्थर रख लो। क्या देवी माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? वैष्णवी मर जाएगी। माता, सबको बचाने वाली आप हैं। आप भी ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो माँ। ये विधि का विधान है। बाबूजी, माँ पर दया करो माँ, तुम में से कोई जाकर माँ की आरती उतारो ताकि माँ शांत हो जाए। Oh,
क्या है? ये कैसा अन्याय है? इस मंदिर में पैदा हुई मेरी बेटी को तेरा ही अवतार है कहकर पूरे गांव वाले पूछते थे, उस बेटी की मौत तेरी आंखों के सामने हो गई। पूरी दुनिया की माँ बनकर तू रक्षा करती है तो क्या इस मासूम को माँ की जरूरत नहीं? हाँ ये तो सच है, जन्म देने के बारे में तू क्या जाने? दुनिया में किसी एक को भी तूने अपनी कोख में पाला है या पैदा किया है, इसीलिए तूने ये अन्याय किया। अरे तू भी कोई देवी है? तेरे लिए मंदिर, पूजा पाठ, सहस्त्र नाम, समय समय पर नैवेद्य, ये सब काफी नहीं है तेरे लिए? मेरी बेटी की जान लेने की क्या जरूरत है तुझे? तेरी आंखें बंद हो गई है, एक बार आंखें खोल कर देख। राक्षसों का संहार करके पुराणों में अपना गुणगान कराने से क्या फायदा? सबका भला करने वाली मेरी बेटी को तू बचा ना पाई, ये कलंक अब तेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। ये विधि का विधान है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं आई इठलाई बलखाई लहराई बिंदास ले लेके अंगड़ाई, मैं अपने जलवे दिखा आई। मैं आई इठलाई बलखाई लहराई बिंदास ले लेके अंगड़ाई, मैं अपने जलवे दिखा आई। लाखों की दुनिया चुरा लाई, लाखों की दुनिया चुरा लाई। मेरी अदाओं के घायल हजारों हैं, मेरी अदाओं के घायल हजारों हैं। अखियों में गोली मैं भर लाई, लाखों की निंदिया चुरा लाई। काटा समझो न फूल, चूमने की तुम करना न भूल। मैं नहीं हूँ छुई मुई, ऐसी तैसी करूँ सबकी। मैं तो हूँ अपने दिल की रानी, दिल में जो आए वो करूँ। डरते हैं मुझसे सारे मजनू, और किसी से मैं न डरूँ। झुक जाते हैं सर डोलू मैं जिधर, मेरे आगे पीछे जी जी जी। बलखाई लहराई बिंदास ले लेके अंगड़ाई, लाखों की निंदिया चुरा लाई। पैरों तले हैं मेरे, इशारों पे सब चले हैं। मैं चलूं तो चलती है राहें, मेरे आगे उठे ना निगाहें। मेरा काटा मांगे ना पानी, मुझसे टकराए ना कोई। मैं हूँ ऐसी जलती ज्वाला, झुके जल जाए ना कोई। झुक जाते हैं सर डोलू मैं जिधर, मेरे आगे पीछे जी जी जी। लाई बलखाई लहराई बिंदास ले लेके अंगड़ाई, लाखों की
बिंदिया चुरा लाई। हेलो कौन? ओ शाहरुख खान। रावण सुपरहिट है, फिक्र मत करो। शाहरुख तुम रखो। हेलो भाई साहब, मैं अंबालाल बोल रहा हूँ। अंबानी जी, हाँ बोलिए। गैस सिलेंडर पहुँच गया है ना? गोदावरी बेसिन में गैस बहुत बहुत आएगा, बहुत बढ़िया होगा। ज्यादा देर मत करना, पैसे जल्दी भेज दो। अच्छा ठीक है। स्वामी जी जरा मेरा हाथ देख लीजिए। स्वामी जी तू दुनिया भर के मनुष्य इस हाथ में है। ये बात मैं जानता हूँ स्वामी जी, आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि जो मैं नहीं जानता हूँ वो बताइए। ऐसी कौन सी बात मैं तुझे बताऊँ? तेरी बीवी किसके साथ भागी ये बताऊँ? उसको कब बच्चा होगा? स्वामी जी, स्वामी जी मैं तो धन्य हो गया, आप सबको जानते हैं, मुझे पता चल गया। ये मनुष्यत कब दूर होगी स्वामी जी? तेरी मनुष्य मैं यहाँ से अमेरिका वालों को पार्सल कर दूंगा ना, तो भी तेरे दिन नहीं सुधरेंगे। हट जाओ सब लोग, हट जाओ। ये कौन नया मुर्गा आ रहा है? स्वामी जी, स्वामी जी इतने जोश में क्यों आ रहे हो? आपकी दाढ़ी और गूंज देखकर कौन जोश में नहीं आएगा, मैं भी वही देखकर जोश में आया हूँ स्वामी जी। इतने बड़े हो गए फिर भी मैच्योरिटी नहीं है। मैं मैच्योर कैसे होऊंगा स्वामी जी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। नॉट hey! अपने आपको क्या समझते हो? अगर सरकारी नौकरी में होते तो 2 साल में तुम्हारा रिटायरमेंट होता। अगर LIC पॉलिसी लेते तो घर के लोग करोड़पति बन गए होते। जी स्वामी जी, मैं चाहता हूँ मैं मरूँ तो सुहागा ही रहूँ। मेरी अब तक शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हो रही है स्वामी जी? बोल दे नागराज, हाथ हाथ दिखाओ। चार सौ साल पहले तुम्हारी शादी होनी थी, लेकिन तुम ब्रह्मचारी रहते ही मर गए। किसी का भी ना हो ऐसा सुपर फ्लैशबैक है तुम्हारा। कौन सा फ्लैशबैक स्वामी जी? देवदास की तरह, शाहजहां की तरह, लैला के मजनू की तरह अनोखे प्रेमी थे तुम। आज से ठीक 400 साल पहले उदयपुर के महाराज के यहाँ सेनापति थे, तुम्हारा नाम काल भैरव। ज्यादा सपने मत देखो, बात बिगड़ेगी। राजकुमारी मित्र बिंदा तुम्हारी सिक्स पैक बॉडी को बहुत पसंद करती थी। ए, अभी नहीं, उस समय ये बात राजा ने जानकर तुझे काट काट कर मार दिया। हाँ? तुम्हारी शादी और किसी के साथ नहीं हो सकती सिवाय राजकुमारी मित्र बिंदा के। वो लड़की अभी किस स्टेट की राजकुमारी है स्वामी जी? डंडे से सर फोड़ डालूंगा गधे, अक्ल नहीं है तुझे? ना राज रहे ना राजा, राजकुमारी जैसी लड़कियाँ सड़क पर घूमती है, जाकर पकड़ लो सेनापति काल भैरव, तुम्हें तुम्हारी राजकुमारी मिल जाएगी। अब वो राजकुमारी कहाँ मिलेगी स्वामी जी, मैं उसे कैसे पहचानूंगा? बैंकॉक में सुनामी आएगा और आंध्र प्रदेश में तूफान, आकाश में बिजली चमकने लगेंगी, तेरे चारों तरफ कौए काओ 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 करते घूमते नजर आएंगे। वो क्यों स्वामी जी? तुझे चोंच मारकर खाने के लिए, बीच में टांग बताड़ा गधे। सॉरी स्वामी जी। एक बड़े नारियल को अपने सर पर रखो और बोलो कि मैं ही काल भैरव हूँ, मित्र बिंदा तुम्हें पहचान लेगी। वो लड़की मुझसे शादी करेगी ना स्वामी जी? तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी, जाओ। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। ये लीजिए स्वामी जी आपकी फीस, छुट्टा भी आप ही रख लीजिए स्वामी जी प्लीज। मैं क्या कोई भिखारी हूँ जो 100 रुपए दे रहा हूँ? तो फिर कितना दूं स्वामी जी? सर फूट जाएगा, मिनिमम 5000। 5000? ओम दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ स्वामी जी, ये लीजिए।
क्या बात है, आज बुआ मेकअप करने के मूड में है? ठीक है ठीक है, तू जल्दी जाके फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। रुको, क्या हुआ? सुबह सुबह कहाँ जाकर आ रही हो? जॉगिंग डार्लिंग, जॉगिंग। फिजिक को मेंटेन करना है ना। कैसा फिजिक? मैंने कभी कोई जॉगिंग वॉगिंग नहीं किया, फिर भी मेरा फिजिक जबरदस्त है ना। ज्यादा जोर से मत बोलना वरना कोई लड़का फिदा हो जाएगा। बुढ़ापे में इसके इतने नखरे हैं, तो जवानी में इसने कितने गुल खिलाए होंगे। बाप रे, पता नहीं ये रविवार क्या है, सब मिलके ये नाश्ता करना क्या है, हफ्ते भर की गलतियाँ कबूल करना क्या है। दादाजी ऐसा रूल बनाकर हमारा दिमाग खा रहे हैं। जस्ट ब्रेक द रूल। या ए मिल्की, शोर मत करना। गुड मॉर्निंग हनी, जाओ हाथ मुंह धो के आ जाओ। भैया बैठो। मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग। बिना खाए ही मेरा पेट भर जाता है, तुम सब लोगों को देखकर। ओफो, बेकार में मैंने इतना सारा नाश्ता बनाया। हफ्ते में चाहे एक दिन सही, इस तरह सब मिलकर नाश्ता करने बैठते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। भूख लगी है, नाश्ता करने दो ना दादाजी। पहले तुमने इस हफ्ते कोई गलत काम तो नहीं किया ये बताओ, उसके बाद नाश्ता। वो जो 3 दिन पहले आपने मेरे प्रोग्रेस कार्ड में मैथ्स में 85 देखे थे ना? हाँ, या वेरी गुड मार्क्स। लेकिन 35 को मैंने ही 85 बनाया। हाँ चालाक। वरुण जी, तुम्हारी बेटी को 35 से 85 ज्यादा है इस बात का एहसास है। इसे कम मार्क्स मिले हैं इसलिए परेशान मत हो। देखो इसे ट्यूशन के लिए भेजो, मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। तब तक मिल्की को नो चॉकलेट्स, नो आइसक्रीम, नो कोल्ड ड्रिंक्स। दादाजी। मिल्की। सॉरी। गलत काम करने वाला और भी कोई है यहाँ पर? वेरी गुड, लगता है सबने गलत काम करना छोड़ दिया। सॉरी डैडी, मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी में बियर। बियर 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 बियर, लगता है इसे भी अपने फूफाजी की आदत लग गई। डैडी, अपने मिल्की को एग्जाम में अच्छे नंबर मिले हैं, इसकी खुशी मनाने के लिए अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने फोर्स किया तो। बेटा ये बुरी आदत तुम्हें कहाँ से लग गई? तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि तुमने भी कोई गलती की है। वो क्या है कि ऑफिस में स्टेशनरी का पैसा लेकर मैंने कार्ड्स खेला। कार्ड्स? तुम्हें जोकर मिलता है तो तुम शो करते हो, वही जोकर किसी दूसरे को मिलता है तो तुम खुद जोकर बन जाते हो। देखो आज से 2 हफ्तों तक तुम दोनों का ऑफिस से कोई संबंध नहीं रहेगा। पहले अपने लाडली बेटी ने गलती क्या की है वो पूछिए। मैं गलती करूंगी माँ? नो, नेवर। अगर विजय शंकर की बेटी ने गलती की है कहो तो दुनिया में कोई भी नहीं मानेगा माँ। अरे बाप रे, जैसे बुआ के बारे में कोई नहीं जानता, ये मुंह खोलती है तो झूठ बोलती है। क्या हुआ मिल्की? दादाजी हर रविवार को सुबह ये पंचायत क्यों रखते हैं ये मत सोचना, और कोई ये भी मत सोचना कि गलती करके बच जाओगे। एक बात जान लो, गलती कबूल करने से मिलता है रिलैक्स, वही गलती से बचने की कोशिश करो तो मिलता है रिस्क। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा रिस्क न ले, यही मेरी ख्वाहिश है। गलती तो हम सभी करते हैं, लेकिन अपनी गलती मानकर उसे सुधारने वाला ही इंसान होता है। अच्छी बात। बहुत अच्छी बात कही तूने। ऑफिस में बैठकर फालतू पेपर में साइन करके आज रविवार को नाश्ता करते वक्त अच्छाई के बारे में भाषण झाड़ रहा है। बच्चे हैं, गलतियां तो करेंगे ही, ये सब किस लिए? तेरी बेटी जो तेरे आंखों के सामने बैठी है शादी लायक हो गई है, ना कोई लड़का ढूंढ रहा है ना शादी करवा रहा है, ये तेरी गलती नहीं है। तुम क्या कहती हो बेटी? बात ये है डैडी, तू इस तरह बेटी बेटी करता रहेगा तो ऐसे ही सर चढ़ जाएगी। देख विजय, तू जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दे, नहीं तो मैं खुद ही करवा दूंगी। हाँ, मैं मरने से पहले इसकी शादी देखना चाहती हूँ। हाँ, मैंने कह दिया, अगर तूने लापरवाही की ना तो मैं अपना सर उस दीवार पे पटक पटक के मर जाऊंगी। दीदी, रात को रोने वाले कुत्ते दिन में क्यों रो रहे हैं? अरे भैंसे चिल्ला क्यों रही है?
ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि तुम लोगों को भी लग रहा है? अरे वो कद्दू हिल क्यों रहा है? अरे भागो ना! अरे ये कद्दू फूट गया तो जलती हुई लाश की गंध क्यों आ रही है? बाप रे! ये तो कोई शमशान घाट का चंडाल लगता है। क्या जानता है इनके बारे में तू? बनारस के शमशान घाट से तांत्रिक शक्ति पाने वाले अघोरी बाबा हैं ये। जहाँ पर बैठे हैं वहाँ समुद्र को लाने की शक्ति रखते हैं। यानी ये सुनामी इसी की वजह से आया क्या? अरे ये तो पास ही आ रहा है। और ये कुंडालिक बाबा पधारिए। जगू भाई पहले आप जाइए ना। क्या मैं? भाई मैं हिम्मत कहाँ है? हिम्मत दिखाने में मैं मौत के मुंह में नहीं जा सकता। जब तुमने मुझे बुलाया है तो मतलब तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, मनुष्य रूप में एक राक्षस हो। दूसरों का खून पीने वाला ही मेरी सहायता मांगता है। जम जपाला, कम कपाला, कुंडली मोम, जिंदारी जमा। मुझे बुलाने का मकसद क्या है ये तुम मुझे बता दो तो आगे क्या करना है ये मैं बताऊंगा। कुछ भी छुपाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। क्या क्या है कुछ भी छुपाए बिना सारी बात सब बात मुझे बताओ, तभी तुम सफल होगे। बताओ बताओ। दीदी यहाँ आओ, इंजीनियर आ रहा है। अब तक माल की डिलीवरी नहीं हुई और वो परसेंटेज लेने आ गया। आइए सर, आइए आइए सर। नमस्ते बिला भाई। अब बैठिए सर, बैठिए। ये क्या है, तांबे का पत्रा लेकर घूम रहे हैं? असलियत का पता चला तो तुम हैरान हो जाओगे। बिला भाई ये मामूली ताम्र पत्र नहीं है, इसमें ऐसी बात छुपी है जिससे हम सब की तकदीर बदल सकती है। ये मंदिर का मैप देखिए। लेकिन ये तो हमारा मंदिर है। हाँ मैडम, एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते बरसों की रिसर्च से पता चला है कि यहाँ पर कोई खजाना छुपा हुआ है। ये आपके गांव का वैष्णवी माता का मंदिर, इसके गर्भगृह के ठीक नीचे बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है जो अरबों का है। खजाना गड़ा हुआ है? अगर ये बात मैं सरकार को बता दूं तो मुझे पद्मश्री मिलेगा, अगर मैं आपको बता दूं तो हम दोनों अरबोपति बन जाएंगे। ये बात सिवाय मेरे डिपार्टमेंट में या बाहर किसी को भी नहीं पता। और पता होना भी नहीं चाहिए, ये बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। बात तो सही है, अब धंधे की बात करता हूँ। दिमाग मैंने लगाया है, 75% मेरा, बाकी का काम आपका है, 25% आपका। आपने गोल्ड बोला तो भाई का दिल बोल्ड हो गया। अरे ये परसेंटेज छोड़ो, देखो भाई तुम्हें कहाँ पहुंचा देते हैं। मुझे क्या देख रहे हो, जरा उधर तो देखो। ए। भाई खजाने को निकालना है तो मंदिर बंद कराना होगा, ये आपकी प्रॉब्लम रहेगी, 50-50। ओके भाई। अरे वो छुरा देना। लो भाई। इंजीनियर साहब इधर आइए, ये छुरा 3 फुट का है। 3 × 3 = 6, 6 के ऊपर, अरे बापरे 6 फुट से भी ज्यादा है। ये क्या भाई, माप क्यों ले रहे हो? मतलब भाई का काम आसान करने के लिए, मैं तुम्हारी लंबाई माप रहा था। कब्र खोदने के लिए? एक मिनट रुको भाई, 4 महीने तक मेहनत करके रिसर्च की है, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। 25% मेरा, 75% भाई आपका। ये सौदा अच्छा है, आप मान जाइए, तुम पसीना पोछो। अबे चुप, तुझे क्या लगता है इन्हें बिजनेस की समझ नहीं है? ये क्या ऑफिसर, अपना हिस्सा तुम खुद घटा रहे हो, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूं, अपना पसीना पोछ लो। अरे पोछ लो भाई, बैठ जाओ।
जो बात तुम जान गए उसे मुझे बताकर तुमने गलती की, लेकिन मैं गलती नहीं करूंगा। मुझे तो तुम्हारे दिमाग में जो जानकारी थी सिर्फ उसी की जरूरत थी। अब तेरा शरीर मेरे लिए बेकार है। दबाइए भाई, दबाइए। बस करो जी, इसका काम तमाम हो गया। जब से इसको उठाया तब से इसका काम ही नहीं आया। भाई, लाश को ठिकाने लगाओ। ले जा इसको। चल ले, उठा। लेके जाओ जल्दी। अरे कब्र थोड़ी लंबी खोदना, इसकी लंबाई ज्यादा है। अच्छा। खजाने को पाना है तो मंदिर को बंद करना होगा। रोज भक्त जन आते हैं, हर हफ्ते वहाँ अलग अलग पूजा होती है, फिर पंडित है, ऊपर से वो वैष्णवी भविष्यवाणी करती है, पूरा गांव वहाँ इकट्ठा होता है, फिर भी हमें मंदिर में ताला लगाना ही होगा। मंदिर को ताला लगाओगी? ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है, जब मर्जी तब ताला लगा दिया। जब धन दौलत की बात आती है तो मेरा दिमाग तेज रफ्तार से चलता है, अगर कितनों का सर भी उड़ाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लोगों का भविष्य वैष्णवी क्या बताएगी, खुद उसके भविष्य को मैं मिटा दूंगा। इसका मतलब आप वैष्णवी को मार देंगे? भैया नहीं भैया, वैष्णवी तो देवी है, जैसे पूरा गांव पूछता है उसे नुकसान पहुंचे हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मेरी बात मानिए भैया। वैष्णवी को छोड़ने का मतलब है खजाने को छोड़ना। आइए स्वामी जी। नमस्कार करता हूँ स्वामी। कल्याण हो, कल्याण हो। आप अच्छे हैं ना स्वामी जी? मुझे किस बात की कमी है, मैं एक जाना माना ज्योतिष हूँ, मेरे पास नाम धन यश शोहरत सब कुछ तो है। मतलब हमें आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है क्या? घर अच्छा है ना स्वामी जी? हाँ घर तो ठीक है। नमस्ते। ये भाई है और ये इनकी पत्नी, सीताराम की जोड़ी दिखती है ना? मुझे तो रावण और मंदोदरी की जोड़ी लगती है। स्वामी जी ने पहचान लिया। ज्योतिष सम्राट शास्त्री से कोई बात छुप नहीं सकती, चाहे वो भूत वर्तमान या भविष्य हो, मेरे पंचांग के पन्नों में छुपे हैं सभी तारे और ग्रह। आपने पंचांग देखा है क्या? ग्रह और नक्षत्रों से मजाक नहीं करते। क्षमा शास्त्री जी, अब बैठिए। बैठो। बताओ, अरे बताओ, शिलान्यास है या ग्रह प्रवेश, शादी है, जन्मदिन है या स्वर्णिम जयंती, बोलो बोलो, सारे ग्रहों की चाल देखकर निकालूंगा मैं मुहूर्त, बोलो क्या है वो शुभ कार्य? शुभ कार्य? शुभ कार्य नहीं शास्त्री जी, अशुभ कार्य। किसी को जान से मारने के लिए दुर्मुहूर्त निकालिए। किसी को जान से मारने के लिए दुर्मुहूर्त निकालने के लिए बोल रहे हो? किसे जान से मारने का इरादा है तुम्हारा? वैष्णवी को। पागल हो गए हो, पागल हो गए हो तुम? देवी समान मासूम लड़की की जान लेना चाहते हो बेवकूफ कहीं के? मेरी जिंदगी में आज तक इस तरह किसी की जान लेने के लिए कोई दुर्मुहूर्त निकालने वाला कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी रख लीजिए। वैसे हमारे भाई के हाथ में बरकत है, आप उसकी मौत के लिए मुहूर्त निकालिए स्वामी जी, आप माला माल हो जाएंगे। जुबान संभाल कर बात कर बेवकूफ। मुझे नहीं, आपको। श्राप दिया तो सीधे अपने आप को शमशान घाट में पाएगा। मुझे ललचाने की कोशिश मत कर, वरना इस दुनिया से तुझे गायब कर दूंगा। तुम्हारे इस काम में मैं साथ नहीं दूंगा। स्वामी जी रुकिए ना। शास्त्री, मेरे सामने नाटक मत कर, 10 मिनट का मोहलत देता हूँ, दुर्मुहूर्त जल्दी निकाल वरना अपने आदमियों को सिर्फ 10 सेकंड दूंगा। ऐसे क्या बात करनी, अभी क्या चलता है? रुकना बेवकूफ, स्वामी जी को चाकू से मारेगा, अकल है क्या? आपको प्यार से गला दबा कर मारेंगे। मुझे छोड़ दो। आप कहाँ जाएंगे? मैं भाई की आंखों में खुशी देखना चाहता हूँ। बैठ जाओ। लात का मतलब है नीचे बैठो। बैठो, बैठ जाओ। अच्छा अच्छा।
वैष्णवी के नाम धन ऐश्वर्य तथा भविष्य उज्ज्वल होने का कारण ये केतु है, लेकिन उस केतु का स्थान अब डगमगा रहा है, जो कि इस वक्त केतु का असर कम हो रहा है, इसलिए वैष्णवी को हानि पहुंचने का भी अवसर है। अवसर मिले तो काफी है, मैं पहुंचा दूंगा उसे हानि। आने वाले आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक यमकंठ काल है। वैष्णवी को अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना है उसके लिए यही सही समय होगा। एक पल भी इधर उधर हुआ तो ये करने वाले का सर उड़ जाएगा। सुअर की औलाद, किसको मारने के इरादे से तू यहाँ माचिस सुलगा रहा है? मालकिन, मैं भूल गया था कि माता के लिए यहाँ हल्दी कुमकुम तैयार किया जा रहा है। ए, सुअर की औलादों, ये मामूली हल्दी कुमकुम नहीं है, इसमें हम बारूद मिला रहे हैं। वैष्णवी, जैसे ही बारूद वाले हल्दी कुमकुम उस पर चढ़ेगा, पांव से सिर तक जलकर पल भर में वो राख हो जाएगी। भैया नहीं भैया, ये पाप है भैया, उसे मत मारिए भैया, वो देवी माँ है, इसकी क्या जरूरत है भैया। मेहरबानी करके मेरी बात मान लीजिए भैया, वैष्णवी की एक मासूम बच्ची है भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया, मेरी बात मान लीजिए भैया, ऐसा मत। अरे बैठना, भैया मान जाइए भैया, वैष्णवी देवी माँ का अवतार है, उसे मत मारिए भैया। सच है भैया, वो देवी है, वो जो बोलती है सच हो जाता है। बचपन में जब बीमार पड़ा था तो सबने कहा था कि मर जाऊंगा, सिर्फ वैष्णवी ने कहा था कि मैं बच जाऊंगा भैया। दौलत के लिए मैंने अपने पिता का कत्ल किया है, वैष्णवी मर जाएगी। माँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम में से कोई जाकर बात की आरती उतारो। अजय ने हमें देख लिया है, अगर उसने गांव वालों को बोल दिया तो हमारे लिए खतरा है, जाकर पकड़ लो उसे। जाओ जल्दी करो, जाओ। हमारे रास्ते में अड़चन बनने वाली वैष्णवी को हमने हटा दिया, अभी मैं इस गांव में तरह तरह की दहशत फैलाऊंगा और प्रचार करूंगा कि देवी माँ के प्रकोप से यहाँ पर ये दुर्घटनाएं हो रही है, और मंदिर का दरवाजा बंद कराऊंगा। मंदिर में जो भी जा रहे हैं सब मरते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। जब से वैष्णवी का देहांत हुआ है पूरे गांव वालों पे मुसीबत ही मुसीबत आ गई। मंदिर में वैष्णवी मर गई और उसके बाद मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मरने लगे, बाहर के लोग इस गांव में आने के लिए घबरा रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए मंदिर बंद कर देते हैं। मंदिर बंद कर देंगे तो पूजा कहां करेंगे? पंडित जी, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह गांव शमशान बन जाएगा। मैं आप सबकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, मरना चाहेंगे? ए, थोड़े दिन के लिए मंदिर बंद कर दो, बंद करो।
मालिक, मालिक। क्या हुआ, क्या बात है? मालिक, आपके कहने के मुताबिक हम लोग मंदिर में खुदाई कर रहे थे। मंदिर में पैर रखती अजीब सी आवाजें आ रही है भाई। जानवर की आवाज और पायल की आवाज। अंदर कदम रखते से भी डर लग रहा है भाई। मालिक, हम सच कह रहे हैं मालिक, मंदिर से खजाना निकालना बहुत मुश्किल है, हम पर विश्वास कीजिए। इसके लिए जिसे बुलाना होगा उसे बुलाऊंगा। तुम मुझे भाग गए, ऐसा कुछ नहीं जो मैं अपनी शक्ति से नहीं कर सकता। तुमने अपने और अपने आदमियों की ताकत के साथ ये सब कुछ किया। वैष्णवी को जान से मार दिया, मंदिर को बंद करवा दिया। अच्छे कामों में अड़चने हो सकती हैं, लेकिन दुष्ट कर्मों में अड़चन नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि और मेरी शक्ति का मिलन हो जाए तो वो खजाना तुम्हें जरूर मिलेगा। Excuse me? Yes? I'm काल भैरव, यानी कि भैरव। Happy death anniversary. क्या तू mental है? पिछले जन्म में हमारे मौत का दिन है ये। जन्म का क्या मतलब? आज से ठीक 400 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उस जन्म में तुम एक राजकुमारी थी, तुम्हारा नाम था मित्रविंदा, मेरा नाम था काल भैरव। जब हम दोनों की शादी में रुकावटें आई तब मायूस होकर तुमने आत्महत्या कर ली। इसका पता चलते तुम्हारे पिताजी ने मुझे फांसी दे दी। हमारा जन्म जन्म का साथ है। तुम तो एकदम पागल हो गए हो। हाँ बिल्कुल, प्यार में पागल हूँ। हर प्रेमी को चाहिए अपनी प्रेमिका को पागलों की तरह प्यार करे, और हर प्रेमिका को अपने प्रेमी को भगवान की तरह पूजना चाहिए। कल जिससे प्यार किया उसे आज भूल जाती हूँ, जिससे आज प्यार करूंगी उसे कल भूल जाऊंगी। चाहो तो मैं तुम्हें एक घंटे के लिए प्यार कर सकती हूँ, 10,000 दोगे? अरे बाप रे, इधर लो। फोकट में टाइम वेस्ट किया। अरे ये तो गजनी की बहन लग रही है, इसे तो कुछ भी याद नहीं है। अब क्या करूं, बेवजह बुके का बाका हो गया। बैंकॉक में सुनामी आ जाएगा, तुम्हारे चारों तरफ कौवे काव काव करके घूमते नजर आएंगे, आसमान में बिजली चमकने लगेगी। तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी, जाओ। कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई मेरी राजकुमारी? मेरी राजकुमारी से मुझे मिला दो। रमेश। यस मैडम। इतनी मेहनत से डिजाइन हुई साड़ी को इस तरह डिस्प्ले करते हैं? सॉरी मैडम। क्वालिटी एंड क्रिएटिविटी इज़ आवर कंपनीज़ मोटो, ये मत भूलना। जब हम लाखों चार्ज करते हैं तो ठीक तरह से प्रेजेंट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके ओके मैम। वाओ, फैंटास्टिक डिजाइन। थैंक यू। इसमें और भी कलर्स हैं, देखेंगी? हाँ जरूर। रमेश इन्हें दिखा दो। कौन सा फैब्रिक सिलेक्ट करेंगे? ये वाला। हाय, तो कहाँ तक पहुँचा है? ए हनी, ये फैब्रिक सिलेक्ट किया है हमने, देखो ना ये। अरे थोड़ा दिमाग तो लगाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर कम्फर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैब्रिक जितना सॉफ्ट उतना ही दे बी हैप्पी वेयरिंग इट। अभी तो फेस्टिवल का भी सीजन है ना, लेट्स ट्राई समथिंग एथनिक। इन दोनों फैब्रिक्स पे ट्रेडिशनल डिजाइन का वर्क करा दो। एंड वी हैव टू कम अप विद वेरी ट्रेंडी डिजाइंस फॉर द फैशन शो। अभी जो फैशन शो होने वाला है उसमें हमारी तरफ से कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू डू इट परफेक्टली। हेलो, हाय हनी, हाउ आर यू? फाइन। मीट हमारे नेक्स्ट फैशन शो के इवेंट मैनेजर एंड डीओपी। हेलो मैडम, आपके डायरेक्शन में जो फैशन शो है उसका मैं कैमरामैन हूँ, इसका मुझे फक्र है। सेम हियर।
क्या हुआ हनी, हमेशा बॉलिंग में परफेक्ट करती हो तुम, आज तो निशाना चूक गया, क्या बात है? दरअसल बात ये है कि संडे आते ही मुझे डर लगने लगता है। मेरी बुआ शादी शादी करके मेरी जान खाती है और सभी लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। हम सबको टेंशन देने वाली को उसकी बुआ टेंशन दे रही है, तेरी बुआ को हमें थैंक्स बोलना चाहिए। मैटर बहुत सीरियस है हाँ, जोक मत कर। और एक मेरे माँ बाप है, मैं कहती हूँ मेरी शादी कराओ और वो कहते हैं तुम तो बच्ची हो अभी शादी करके क्या करोगी। हाँ? सोचो, फिक्र अच्छा है तब शादी करनी चाहिए, शुगर होने के बाद शादी करने से क्या फायदा। तू अपने माँ बाप की बात अब मान ही ले। शादी, बच्चे, परिवार, मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। कोई प्यार व्यार? बाप रे, वो तो इससे भी बड़ा टॉर्चर है। लाइफ में प्यार और शादी तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन हर मनुष्य का एक एम्बिशन होता है और मेरा एम्बिशन ये है कि मेरे डिजाइन पेरिस के फैशन वर्ल्ड में छा जाएं, उसके बाद में शादी कर लूंगी। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ पेरिस पहुंचना ही नहीं, इसकी बुआ भी है। लड़का अच्छा निकला तो ठीक, कहीं उल्टा निकला तो ये और इसका एम्बिशन दोनों जहन्नुम में। जहाँ पर समस्या है वहाँ पर सॉल्यूशन भी होता है, सिंपल। पढ़ो पढ़ो, जब देखो खेलते रहो। कहाँ से आ रही है कमर को अटक मटक करके? हाँ बुआ, मुझे कहने में शर्म आ रही है। जरूर कोई प्लान बनाए। तुझे शर्माते हुए देखकर मुझे भी शर्म आ रही है। बात क्या है बता। आज मैं आप सबको एक अच्छी बात बताने वाली हूँ। तो बता ना बेटी। ये पक्का दादी जी को बना रही है। मुझे भी तो दिखा फोटो। अरे चुड़ैलो, कहाँ हो तुम सब? आ जाओ, तुम सब यहाँ आ जाओ, आकर ये फोटो तो देखो। अरे वो क्यों गला फाड़ रही है, देखो दूसरा। कौन है ये लड़का? तुम्हारा दामाद। हाँ, तो जल्दी से शादी करके मेरे हाथ एक बच्चा थमा दे। हनी, कौन है ये लड़का? हे, बहुत अच्छा लड़का है। किस गांव का है, काम क्या करता है? ए, बंद करो अपनी पूछताछ। बहुत अच्छा लड़का है। क्यों बेटी, लड़की की तस्वीर लेकर आई हो? उसे घर ले आ सकती थी ना। हाय, मैं मारी जाऊं। वो अमेरिका में पढ़ रहा है। अच्छा, बेटी लड़के का नाम क्या है? उसका नाम रवि। ये काम कर। नाम तो बहुत अच्छा है बेटी। अरे हे, क्या बात है, सब लोग यहाँ जमा है, आखिर बात क्या है? अजी, अपनी हनी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या बात है बेटी? वो डैडी, मैं किसी से प्यार करती हूँ। सच कह रही हो? सच कह रही हूँ डैडी। कह रही है सच है तो बिल्कुल भी सच नहीं होगा। आंटी सबको उल्लू बना रही है। कितने दिनों से प्यार कर रही हो और अभी तक हमें क्यों नहीं बताया? अरे बेटी, डैडी पूछ रहे हैं ना। अरे बोल ना, तेरे डैडी बुरा नहीं मानेंगे। ओह, मैं भी देखूं। लड़का तो स्मार्ट है। अच्छा लड़का है ना। अब हम सब लोगों को मिलकर कार्ड छपाना है, रिश्तेदारों को बुलाना है, इसके लिए कपड़े लत्ते खरीदने, गहने खरीदने। रवि वैसे में पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी मिलने के लिए 2 साल लगेंगे। नौकरी मिलने के बाद शादी करेंगे ऐसे कह रहा है। अगर वाकई तुम इससे प्यार करती हो तो इसी से तुम्हारी शादी करो। मुबारक हो। नहीं
थैंक यू। हेलो, आगे पीछे देख के ठीक से चल नहीं सकते क्या? ए मिस्टर, पहले कभी लड़की नहीं देखी? क्यों टकरा है बोलो? Excuse me, टकराने वाली आप थी। तुमने वो कहावत सुनी है? पत्ता कांटे पे गिरे या कांटा पत्ते पे गिरे, गलती तो कांटे की ही है। पत्ते की नहीं ना। ए, मेरा नाम राजेश है, राजेश शर्मा। मैं कोई सीता नहीं हूँ। बैग उठाओ, सॉरी बोलो, चलते बनो। सॉरी। Irritating fellow. मित्रविंदा, ये कैसी बात कर रही हो मित्रविंदा? आज से 400 साल पहले मेरा दिल चुराने वाली चोनी राजकुमारी हो तुम, और तुम मुझे ही चोर बोल रही हो? ए, ये क्या, कोई फिल्मी कहानी सुना रहा है? ए, मुंह बंद कर। जब राजकुमारी अपने सेनापति से बात कर रही है तो तू बीच में क्यों टांग अड़ा रही है? तो इसमें इसने गलत क्या कहा? मित्रविंदा, हर एक जिंदगी फिल्म की कहानी की तरह है। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे भरोसा दिलाऊं मैं? मुझ में अपने कार भैरव को देख लो, अपने पागल प्रेमी को देख लो। ए पूजा, मेंटल हॉस्पिटल को फोन करो। मित्रविंदा, ऐसा मत बोलो। मुझ पर अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे साथ उदयपुर चलो। ए मेंटल, तेरे साथ तो मैं दरवाजे तक भी नहीं चलूंगी, चलो। ए मित्रविंदा, मित्रविंदा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पर तुमने नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, 400 साल गुजर गए है ना, 400 साल हो गए हैं। मेरी बात सुनो मित्रविंदा, कभी न कभी तुम अपने काल भैरव को जरूर पहचानोगी। मेरे साथ घोड़े पर बैठोगी और मैं उस घोड़े को टक 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 टक। चलो। मित्रविंदा, अगर तुम मुझे पहचानोगी तो इस कैन में दूध डालकर फर्स्ट नाइट के लिए तुम्हारे पास आऊंगा, और अगर तुम मुझे नहीं पहचानोगी तो इस कैन में जहर डालकर उसी फर्स्ट नाइट को अपनी लास्ट नाइट मनाऊंगा। हम लोग मैटिनी शो देखने जा रहे हैं, तुम्हें कैसे पता? सिक्स सेंस। सिक्स सेंस नहीं, न्यूसेंस। व्हाट? यस मिस्टर न्यूसेंस, तुम्हें मेरे प्रोग्राम से क्या? कैन यू नाउ प्लीज? अरे आप इतनी रुटती क्यों है? कम से कम रात को आप जो केएफसी में डिनर के लिए जाने वाली है तब तो मुझे ले जाइए। तीन हफ्ते, पूरे 3 हफ्ते जबरदस्ती करने के बाद ये हमें 3 दिन पहले केएफसी ले जाने के लिए तैयार हुई है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? ये भी सिक्स सेंस है जी। डिस्टर्ब करना छोड़ के यहाँ से तुम चलते बनोगे? ओके चलता हूँ, लेकिन कल आपने जो फैशन शो ऑर्गेनाइज किया है उसमें जरूर मिलूंगा। बाय। जब फैशन शो के बारे में इतना पता लगा लिया तो तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ पता लगाया होगा। उसका न्यूसेंस शो हो गया, अब हम अपने फैशन शो के बारे में सोचे, चलो।
हनी अगर थक गई तो पानी नहीं पिएगी, जूस पिएगी। क्या ये सिक्स सेंस है? या मैंगो जूस उसे पसंद नहीं है। या थैंक यू। हाँ? स्ट्रॉ से पीना भी उसे पसंद नहीं है। हेलो, क्या हुआ? आई एम राइट ना? उसका टेस्ट क्या है हमें नहीं पता, तुम्हें कैसे पता चला? ये भी सिक्स सेंस है क्या? और एक बात बताऊं, वो किस तरह के सपने देखती है, सपनों में क्या क्या बड़बड़ आती है, ये भी। कॉन्ग्रेट्स हनी, इस शो में तुम जरूर जीतोगी, तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी। सिक्स सेंस कह रहा है? सिर्फ सिक्स सेंस ही नहीं, हनी की काबिलियत पर मेरा कॉन्फिडेंस कह रहा है। तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर मैं जीत गई तो मैं तुम सबको ट्रीट दे दूंगी। पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, कल शाम को अगर केबीआर पार्क आओ तो ही काफी है। वो किस लिए? मैं हरा हूं ना। व्हाट? वेट करूंगा। बाय बाय। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है, अच्छा लड़का है। क्या? तुम्हारे बारे में हर बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तो ये सिक्स सेंस ही होगा। उसका सर, ये सिक्स सेंस नहीं न्यूसेंस है। उस दिन मेडिकल शॉप के बाहर मेरी डायरी उसे मिली है, उसकी मदद से ये सब कह रहा है। तो फिर अब क्या करेंगे? मैं कल पार्क जाऊंगी, उसका मोटिवेशन क्या है, न्यूसेंस क्या है, सब पता लगाऊंगी। रुक अभी भाई, क्या कर रहे हो तुम? अरे रे, छोड़ दो मुझे भाई, हम सब लोग एक ही तो है ना, एक साथ घूमे फिरे हैं, मुझे छोड़ दो भाई। क्या ए भाई के खिलाफ जाकर तूने बहुत गलत काम किया है, जिंदगी भर जिसका नमक खाया है उसके साथ नमक हरामी क्यों की? हेलो, अजय को पकड़ लिया है। मार दो उसको। ठीक है भाई, मार देते हैं। अरे सुनो, जरा रस्सी खोलो, मुझे बाथरूम जाना है। नहीं नहीं, अपना ही आदमी है, अपने साथ ही खेला कूदा है, जाने दे रहे उसको। रस्सी खोल प्लीज यार। तू बोलता है तो ठीक है, चल 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 ना। ए कहाँ रे वो? वो बाथरूम गया है। अरे क्यों जाने दिया उसको? अरे बाप रे, ए ए वो भाग गया। अरे कैसे भाग गया? अरे मुझे मार के भाग गया वो। तुझे रस्सी खोलने की क्या जरूरत है? हेलो भाई, उसे मार दिया क्या भाई? वो हमारे आदमी को मारकर भाग गया भाई। भाग? निकम्मे कहीं के, हमारे इंस्पेक्टर से जाकर मिलो। आह, तू कितना खुशकिस्मत है, मित्र विंदा ने तुझे अपने होठों से लगाकर चूमा। और सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी खुशकिस्मत हूँ। कुछ कु मित्रविंदा, माय डार्लिंग मित्रविंदा, मित्रविंदा, मित्रविंदा। God is great. आज किसी भी तरह से मित्र विंदा को पिछले जन्म की याद दिलाकर हम दोनों यूं यूं हवा में उड़ते फिरेंगे। माँ जी कुछ दीजिए ना। आह मित्र विंदा, तुम वाकई राजकुमारी हो, कितनी दिलेरी से तुमने 10 रुपए डोनेट कर दिया, फैंटास्टिक। ओ भाई भाई भाई, वो 10 रुपया मुझे दे दो ना। भिखारी से भीख मांग रहे हो? मैं भिखारी नहीं हूँ मेरे भाई, ये लो ये 100 का नोट है, ये 100 लेकर वो 10 मुझे दे दो। आप तो धर्मात्मा। ओके ऑल राइट। मित्रविंदा, हाय, मैंने कहा था ना आप जरूर आएंगी। तुम सब फ्यूचर के बारे में ही बोल सकते हो ना? आपके बचपन की बातें भी मैं पूरी तरह से बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप जब 6-7 साल की थी तब आपने क्या किया था याद है? क्या किया था? अरे मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे उस तरफ से खींचो ना, खींचो। अरे तू क्या कर रही है?
अरे हनी बेटी आजा, कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, आज नहीं रोते बेटी, नहीं रोते, दे वो घड़ा इधर दे। हाँ, ये कैसे तेरे सर पे अटक गया बेटा? इसको ऐसे उठाया, मेरे सर पे डाल दिया, मेरे सर पे डाल दिया, अटक गया। अरे 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 मेरी जगह पर ये विलन कौन है? चार गुंडों को लेकर वापस आता हूँ। तुम्हारा सिक्स सेंस सिर्फ मेरे बारे में बता सकता है या दूसरों के बारे में भी? जिस किसी में भी मुझे दिलचस्पी है उन पर मेरा सिक्स सेंस काम करता है। ये तो सही कहा। उनकी डायरी भी तो तुम्हें मिलनी चाहिए। उस दिन मेडिकल शॉप में मेरी डायरी ले ली तुमने। मैंने उसमें जो लिखा था तो मुझे वही बता रहे हो। तुम्हें सिक्स सेंस तो क्या, कॉमन सेंस भी नहीं है। सॉरी, मैं आपकी डायरी लौटा दूंगा। थैंक्स। किस लिए? मेरी बचपन की कुछ यादें याद दिलाई, इसलिए। बाय। नमस्कार। किसके नाम पर? आज हमारे हनी का जन्मदिन है, उसके नाम से अर्चना कीजिए। गोत्र क्या है? विष्णु गोत्र। नक्षत्र? स्वाति नक्षत्र। देवी माँ का ही नक्षत्र है। मेरे साथ एक बात बताती हूँ। क्या कर रही हो? तू आना, बताती हूँ। छोड़ो ना, बैठ। अभी सत्यनारायण के सामने बैठी है, इसलिए सिर्फ सच ही बोलना। तेरे बारे में तो मुझे पता है, मुंह खोला तो झूठ, बंद रहे तो सच, इसलिए मंदिर में बिठा के बुलवा रही हूँ। अब पूरी बात बता दे। कौन सी बात? वो अमरीका वाला तेरे बीच में जो प्यार चल रहा है, वो फोटो की बात क्या है? तेरी लव स्टोरी की क्या बात है, बता दे प्लीज प्लीज। उस दिन तुम्हारी दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर गई थी ना, वहाँ मिला था वो, बस ना? बस नहीं। तू इस तरह गुस्सा मत कर। उस लड़के में तुझे क्या पसंद है ये मुझे बता दे बेटी। उसका सेंस अच्छा है। इस सेंस क्या है? मैं कुछ नहीं बताऊंगी, जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ साया की तरह मेरे पीछे पीछे आना। आज मैं क्या कर रही हूँ और कल मैं क्या करने वाली हूँ, ये सब एक भविष्यवाणी की तरह बोलता था। इसी अंदाज पर प्यार आया। इंजीनियर होके ज्योतिषी की तरह भविष्यवाणी? बुआ जी, मैं आपको मार दूंगी। सॉरी सॉरी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू बोल बोल। पहली मुलाकात में मैं उसे रूठी थी। जब मुझे पता चला कि मुझे चाहता है, तब उसकी शराफत देखकर मैं उस पर फिदा हो गई। फोटो में तो मामूली लग रहा था, लेकिन तेरी बातों से मस्त लग रहा है। फोन करके बुला, भागता हुआ आएगा। चोरी करता है, चोरी करता है, हड्डी तोड़ दूंगा। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। हाँ नमस्ते, क्यों भैया, सब ठीक है ना? सब ठीक है साहब, पर एक छोटा सा काम है। हाँ बोलो। अपना एक लड़का ना, वो भाग गया है, भाई के साथ गद्दारी की है। हमने उसे सब जगह ढूंढा है। नीले कलर की जींस पैंट पहन रखी है, व्हाइट कलर की शर्ट है। आप किसी तरह उसे ढूंढ दीजिए। ये है उसकी फोटो। ये क्या, आपने आदमी का फोटो देकर आए हो? हेलो, मैं हूँ जग्गू। क्यों भेज जग्गू, अपने आदमी का फोटो क्यों भेजा है? भाई से पंगा लेने वाला अपना आदमी हो या बाहर वाला, भाई उसे नहीं छोड़ता। भाई ने मुझे बोला, वही बात मैं तुमको बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। सर, ये जो फोटो वाला लड़का है ना, वो दुबई भाग जाना चाहता है, आप उसे जल्दी से पकड़ लीजिए। हाँ जो भी करना मैं कर दूंगा, तुम लोग जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। कांस्टेबल सर, पासपोर्ट एजेंट बाबूलाल के ऑफिस के बाहर हमारे दो आदमियों को बिना वर्दी के लगाओ, ये वहां जरूर आएगा।
अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? डैडी कहाँ है? घबराई हुई क्यों हो? बताओ कहाँ है? ऊपर है। बताओ तो क्या हुआ? हनी कहाँ जा रही हो? पता नहीं इसे क्या हुआ? ये पहले तो ऐसे कभी घबराई हुई नहीं थी। क्या हुआ? डैडी जी, आइए आइए, बाहर क्यों खड़े हैं आप? आइए आइए, अंदर आइए। अरे क्या बात है रवि, ये क्या हो गया है? विजय, वो जरा जल्दी नीचे आके देख, दामाद जी आए हैं। ओह तो ये बात है, इसके लिए इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? कम कम, लेट मी सी। आजा आजा। वेलकम वेलकम, व्हाट अ सरप्राइज। अरे ये क्या भेस बनाया है? देखा आपने, एक दूसरे को देखकर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा इनका। हनी को मैंने परेशान देखा तो मैं हैरान हो गया। पता नहीं था कि अमेरिका से मेरे होने वाले दामाद हैं। नहीं है डैडी। Come on, you need not worry. We'll have a lavish dinner tonight, okay? और तुमसे एकदम पकड़ो इसे, ले इसे, ले जा। अरे ऑफिसर, what's happening? ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है साहब। क्रिमिनल? हमारे कस्टडी से भागकर आपके घर में छुप रहा था। अबे चलना। वो एक क्रिमिनल है, जानते हुए भी तुमने प्यार किया? सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम अब तो मुझे साफ साफ बताओ। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, सब शादी के नाम से मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए किसी अनजान की फोटो दिखाकर मैंने झूठ कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। एक्चुअली वो एक क्रिमिनल है, मुझे अभी अभी पता चला। कुछ भी हो, इस घर में जो नहीं होना था वही हुआ। अगर कोई भी गलती करे तो वो मुझे रविवार के दिन बताएगा, ऐसा मैंने इस घर में रूल भी बनाया था। किसी ने भी, तुम में से किसी ने भी उसे सीरियसली नहीं लिया। जब कभी भी कोई गलती करे तो उसे मानकर उसी वक्त अपने आप को सुधारे, इसीलिए तो मैंने वो कंडीशन रखी थी। तुम लोगों के साथ फ्रेंडली रहकर इस तरह की आजादी दी, यही मेरी गलती है। अनजाने में उसे गलती हो गई, लेकिन जान कर करे या अनजाने में करे, गलती तो गलती है। डैडी मुझे शादी नहीं करनी, अगर ये कहती तो बात वहीं खत्म हो जाती। Whatever happened is happened. आगे का फैसला मैं तुम पर ही छोड़ता हूं। सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारे मालिश से ना सिर्फ भाई को मजा आ रहा है बल्कि इनका बदन भी लोहे का हो गया है। अजय को लेकर आ गए क्या? वाह क्या बात है, सिर्फ गुंडागिरी ही नहीं, बुद्धि भी तुम में मस्त है जी। ओ,
शाबाश छोटे, इतने दिनों तक तुम मुझसे बचता रहा, इसका मतलब तेरी उम्र काफी लंबी है। हाँ भाई, ये आपके हाथों से पला बढ़ा है और हमको 6 महीने से चकमा दे रहा है। तुझे मुर्गा खिलाया तूने खाया, गोश्त खिलाया वो भी खाया, तुझे शराब पिलाई वो भी पी, किसी को मारने के लिए कहा तो मारा भी, तो अब ऐसा क्यों कर रहा है छोटे? तुमने जो खिलाया वो खाया, जो पिलाया वो पिया, बदले में कुत्ते की तरह तुम्हारे साथ वफादारी की, फिर भी आज कहता हूँ तुमने गलत किया भैया। चाकू भले ही 6 इंच का हो, लेकिन जब वो 6 फुट वाले बदन को चीर देता है तो इंसान तड़प उठता है। छोटे से छोटा कांटा भी जब पैर में चुभ जाता है तो कोई उसे निकाले बिना रहने देता है क्या? मौत से खेलने वाला कोई जीतता नहीं, हम खेलते हैं तो मौत सो जाती है और मौत खेलती है तो हम सो जाते हैं, कोई फायदा नहीं। तुमने प्लान करके जिसे मरवाया वो कोई मामूली लड़की नहीं थी, देवी माँ थी जिसकी पूरा गांव पूजा करता था। देवी माँ। चाकू पकड़ने वाले के मन में भय और भक्ति नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो भगवान अपने पास बुला लेगा। ये दोनों अपने मन में रखने वाले तुझे मैं उसी के पास भेज रहा हूं। अरे लकड़ियां लेकर आओ और इसे जला डालो, ठीक से लगाओ रे। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं जा नहीं पाऊंगी, प्रॉब्लम है। क्या हुआ? अपनी बुआ जी से बचने के लिए जिस अनजान की मैंने घर पर फोटो दिखाई थी ना, हाँ, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल निकला। क्रिमिनल है? एक मामूली सी फोटो से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो न जाने राजेश के पास जो मेरी डायरी है उससे कितनी प्रॉब्लम होगी। तुम पहले जाकर वो डायरी ले लो जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। वही लेने जा रही हूँ। ठीक है, ओके बाय। व्हाट अ सरप्राइज, हवा की झोंके की तरह इस तरह आपका अचानक आ जाना मेरे लिए आश्चर्य की बात है। अपनी बकवास बंद करो, मुझे मेरी डायरी दो। ओह सॉरी, आपकी डायरी मेरे पास ही रह गई ना। पहली बार आप मेरे घर आई है, कॉफी पी लीजिए और अपनी डायरी भी ले जाइए। आइए, पहले मुझे मेरी डायरी दे दो, मैं जल्दी में। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आइए ना प्लीज, आइए बैठिए प्लीज, जस्ट 1 मिनट, मैं अभी आया। है उस वीडियो क्लिप से पता चलता है। What? मेरे पीछे पीछे घूमकर मेरा वीडियो शूट करके उसे देखकर एंजॉय करता है, ऐसी गंदी हरकत करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हनी बात मत कर, तुझे देखती हूँ तो मुझे घिन आती है, तुझ जैसे कमीने को मैं छोड़ूंगी नहीं। हनी प्लीज, मैंने तुम्हारा वीडियो शूट किया, इसमें तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन वही वीडियो किसी की जान बचा रही है। आओ देखो, मेरी बेटी रेशमी, टीवी में दिखने वाली तुम्ही ने इसे जीवन दान दिया है, तुम्ही को देखकर ये सो जाती है। शायद मेरी बदनसीबी से या मेरी बच्ची की खुश नसीबी से तुम मुझे मिली। चोरी छुपे मैंने तुम्हारा वीडियो शूट क्यों किया ये सोच रही हो ना, वो देखो। मेरी पत्नी वैष्णवी।
मेरे बेटे और बहू को अरसे से बच्चा नहीं हुआ है। आखिर इनका संतान योग है कि नहीं, बताइए माँ। योग है, अवश्य है, तुम्हारी बेटी को बच्चा अवश्य होगा। अच्छा माँ। माता, मेरे पति 2 साल से रोग से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। उसकी आयु लंबी है, वो रोग से मुक्त हो जाएगा। अपनी मन्नत पूरी कर। उदय शंकर। हाँ माता। तेरी आंखों में जो खुशी के आंसू हैं, वो दुख के आंसू में बदलने वाले हैं। दिल पे पत्थर रख लो माता, अपने दिल पे पत्थर रख लो। क्या देवी माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? वैष्णवी मर जाएगी। माता, सबको बचाने वाली आप हैं। आप ही ऐसा बोलेंगी तो कैसे चलेगा? मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो माँ। ये विधि का विधान है। बाबूजी, माँ हम पर दया करो माँ, तुम में से कोई जाकर माँ की आरती उतारो ताकि माँ शांत हो जाए। मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। जब मेरी वैष्णवी आग में चल रही थी, उसे देख के रेशमी पैरालिटिक हो गई। इसके इलाज के लिए मैं इसे शहर लेके आया। जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, वैसे वैष्णवी के रूप में मुझे आप दिखाई दी। अपनी माँ की हमशक्ल को देखकर शायद मेरी बच्ची ठीक हो जाए, ये सोचकर मैंने ये सब किया। गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मेरा वीडियो देखकर आपको गलत समझा और बहुत भला बुरा कहा। ये सब इस बच्चे के लिए किया, अब मुझे पता चला। I'm really very sorry। माँ, तुम इतने दिन कहाँ थी माँ? पापा, माँ को हम हमारे घर ले जाएंगे, माँ हमारे साथ ही रहेगी। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ हमारे गांव चलिएगा, वहां थोड़े दिन रुकेंगी तो मेरे ससुर जी को भी थोड़ा बहुत सुकून मिल जाएगा। प्लीज चलिए। क्या पता वो कहां पर है, किस हाल में है, क्या खा रही हा? एक बात कहूं, उसे देखे बिना, बात किए बिना, उसे 2-4 डांटी दिए बिना चैन कहां मिलती है मुझे। उसे देखे बिना मेरा जी घबरा रहा है, कोई फोन तो करो उसे। दादी माँ, मैं फोन करती हूँ। अरे ना। करना बेटी। ए, रिंग हो रहा है, रिंग हो रहा है। हाँ, रिंग हो रहा है। हेलो। हेलो बुआ, कहाँ हो तुम? क्यों मिल्की? यहाँ पर तुम्हारे बिना ये घर सेंटिमेंटल हो गया है। तो जीना मुश्किल कर रही है। जीना मुश्किल कर रही है, पहले तो उस बुढ़िया का मर्डर करना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है सब की वजह वही है। पता नहीं मेरी शादी करवाने के लिए उसे क्यों इतनी पड़ी है। अपने पति को तो उसने जान से मार दिया था। मार दिया? उसका गला दबा कर मार दिया था। सच बोल रही हो? उसकी शक्ल से पता नहीं चलता है क्या? मैं सच बोल रही हूँ मिल्की। जितनी भी भूतनिया है, चुड़ैल है, डायन है, सबने मिलकर इस बुढ़िया का दांत निकाल दिया है। दांत निकाल दिया क्या? इसीलिए तो नकली दांत लगाए हैं। गौर से देखोगी तो उस बुढ़िया की शक्ल में एक खौफनाक मिनी डायन दिखाई पड़ेगी। बुआ, इस बुढ़िया को हम लोग अपने घर का गेस्ट समझते थे, लेकिन ये तो घोस्ट निकली। हमारे फैमिली फोटो से इसको काट दे? नहीं रे, चाहे कुछ भी हो वो बुजुर्ग है, नजर के पुतले की तरह किसी कोने में पड़ी रही। ओके। मैं कहीं भी नहीं गई। 4 दिन में घर लौट आऊंगी, मैंने सब कुछ दादाजी को बता दिया है। मैं बाद में फोन करूंगी। बुआ जल्दी घर आ जाना, बाय। ओके बाय।
पैदा होने से मरने तक मेरी वैष्णवी के लिए मंदिर ही सब कुछ था। मेरी वैष्णवी देवी माँ के प्रति स्वरूप थी और ये मंदिर ही उसके लिए असली घर था। आखिर में देवी माँ ने अपनी लाडली बेटी को अपने पास बुला लिया। चलो जी। नाना जी, नाना जी। बेटे, इस लड़की को देखिए, ठीक हमारी वैष्णवी जैसी लग रही है ना? हाँ बेटे राजेश, ये बिल्कुल अपनी वैष्णवी जैसी। लेकिन ये वो नहीं है बाबूजी, इसका नाम है हनी। अच्छा, आओ बेटी, अंदर आओ, सब लोग अंदर आ जाओ। चलो, आओ, आओ बेटा, आओ, आओ बेटी। राजेश, अपनी गुड़िया, अपनी रेशमा ठीक होने का श्रेय इस हनी को जाता है बाबूजी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुड़िया इस तरह ठीक हो जाएगी। बेटी, तुम्हारे पिता का नाम? विजय शंकर वर्मा। विजय शंकर वर्मा, मैं अभी आया बेटी। ये तस्वीर देखो बेटी। मेरी फैमिली की फोटो आपके पास कैसे? और इसमें आप भी हैं? तुम्हारे पिता कोई और नहीं, मेरे बड़े भाई हैं बेटी। तो चाचा जी आप अभी तक? हाँ बेटी, तुमने जो सोचा वो सही है। मेरे भाई गलती को बोलने वाले को माफ करते हैं, लेकिन गलती छुपाने वाले को वो हरगिज माफ नहीं करते। मैंने एक लड़की से प्यार किया था। अपने बड़े भाई की हैसियत, इज्जत और डर की वजह से मैं उन्हें ये बता नहीं पाया। असलियत जाने बिना मेरे भैया ने मेरा रिश्ता एक बड़े घराने में तय कर दिया। उसी वक्त मैं जिस लड़की से प्यार करता था उससे शादी करके घर लेके गया। उसके बाद जहां मेरा रिश्ता तय हुआ था, उन लोगों ने मेरे भाई को बहुत बुरा भला कहा और उनके सामने मेरे बड़े भाई का सर झुक गया। यह सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा और अपनी पत्नी को लेकर इस गाँव में आ गया। चाचा जी, उसके बाद मेरे भाई को भी मेरे बगैर उस गाँव में रहना अच्छा नहीं लगा और सुनने में आया कि वो अपने बाल बच्चों के साथ कहीं दूर चले गए। गलती कबूल करने से मिलता है रिलैक्स, वही गलती से बचने की कोशिश करो तो मिलता है रिस्क। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा रिस्क न ले, यही मेरी ख्वाहिश है। टिकट। ये क्या है? ये क्या है? जिनके पास कपड़े नहीं उनके लिए रिलीफ फंड, आप जैसे वर्दी वालों के लिए करप्शन फंड है, यानी रिश्वत। पर किस लिए? मेरी रानी दिखाई नहीं दे रही है। रानी तेरी बेटी है या पेट डॉग है? पेट डॉग नहीं, पेट लवर है। नाम है मित्रविंदा, उम्र है 23 साल। जवान लड़की दिखाई नहीं देती तो उसे गुम हो जाना नहीं, भाग गई कहते हैं। अक्ल नहीं है तो मुझसे पूछ लीजिए सर, जुबान में हड्डी नहीं है तो कुछ भी मत बोलिए। ठीक है, कब से दिखाई नहीं दे रही है? 400 बरसों से मिसिंग है सर। 400 बरसों से? जी सर, पता नहीं कुदरत ने उसके साथ क्या खेल खेला, वो मुझे पहचान नहीं रही है सर। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी रानी, मेरी रानी, मेरी रानी मेरे सामने होनी चाहिए सर। क्यों भाई, तो क्या पुलिस वालों को पागल समझता है क्या? अगर मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा सर, चाहे तो और रिश्वत ले लीजिए आप, पर सुबह होते ही मेरी रानी मेरे आंखों के सामने होनी चाहिए सर। क्या सर, आपको सुनने में ही इतना बुरा लग रहा है तो जिसका खोया है उसकी क्या हालत हो रही होगी सर? तुम खड़े क्या कर रहे हो यार, जाओ यूपी पहुंच जाओ। तू क्या देख रहा है, बिहार जा। हेलो, तुम गुजरात जाओ। हेलो, तुम्हें क्या अलग से माइक लगाकर बोलना पड़ेगा? समझ में नहीं आ रहा है, तुम उदयपुर जाओ। अरे बाप रे, स्वामी जी, स्वामी जी, आप भी यहीं पर हैं स्वामी जी? मेरी रानी दिखाई नहीं दे रही है, आप बताइए ना कहाँ है स्वामी जी? ए, तुझ जैसे बूढ़े खुशट की रानी कहाँ पर मिलेगी, मुझे कैसे पता बे? हाँ, मुझे छोड़ दे भाई। तो मेरा क्या होगा स्वामी जी? मेरा क्या होगा ये मैं खुद ही नहीं जानता। हाँ, तेरा एक फ्लैशबैक। हाँ, और उसके लिए एक हीरोइन। फिल्में नहीं देखते क्या? देखता हूँ स्वामी जी। ये लो काल भैरव,
रख लो। फिल्म की स्टोरी बताई थी स्वामी जी। हाँ। अरे पागल। चाचा जी और तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अगर मैं यहाँ रहूँ तो गांव वाले मुझे वैष्णवी समझेंगे, इस बात से तुम्हें डर लग रहा है, इसीलिए अभी तक तुमने मुझे गांव नहीं दिखाया। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। ओके, गांव की बात छोड़ दो, लेकिन जिस देवी को वैष्णवी जी जहाँ से पूछती थी उस माँ का मंदिर देखना चाहती हूँ। राजेश, तुम भले ही मेरे साथ मत आओ, आज रात मैं मंदिर देखने जरूर जाऊंगी। इसे रात को सोने की आदत नहीं है, रात पर भूतों की तरह जागता रहता है मंत्र पढ़ते हुए। चुप रहने के लिए कहा। अरे क्या, सारे नींबू इधर उधर लुढ़क गए लेकिन एक नींबू ब्रेक लगने की तरह इधर ही रुक गया। समझ में नहीं आता क्या, यहीं पर खोदने के लिए कह रहे हैं। जग्गू भाई, पायल की आवाज आ रही है। पायल की आवाज आ रही है? मेरे दादाजी कहते थे कि रात को शमशान घाट में पायल की आवाज आती है। ये बात है? आपको कैसे पता? पता कैसे नहीं, मुझे मेरे दादाजी ने कहा, उनको उनके दादाजी ने कहा, उनको उनके दादाजी ने कहा और उनको उनके दादाजी ने कहा। तू अपना काम चालू रख। चल चल। उसे क्या हुआ यार, पायल की आवाज सुनने के बाद भी बहरों की तरह मंत्र पढ़ते जा रहा है। वैष्णवी भूत बनकर दिखाई दी थी भाई। चुप कर, भूत बनकर आई है। अंधेरे में कुंडालिक बाबा को देखकर डर गया होगा तू, नहीं तो अपने खुद की परछाई देखकर डर गया होगा। भाई सच बोल रहा हूँ, चल निकल यहाँ से। वैष्णवी को हमने देखा भाई। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। जाओ भाई, भाई चलो यहाँ से। मैं गांव जा रहा हूँ यार, इनको एक बार दिखाई देगी तब यकीन होगा। ए, तुझे क्या हुआ? जया जया क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, बोलना जया। कौन है यहाँ?
अरे कौन है? मैंने कहा कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आ। तू अभी तक मर नहीं गई? मर गई? क्या मैं मर गई? क्या मैं मर गई? बता, तुझे मारे बिना मैं कैसे मर सकती हूँ? तू क्या मुझे मारेगी? ए वैष्णवी, तमाम गांव वाले और श्रद्धालुओं के सामने जब तुम में माता आई थी तब अग्नि का आवाहन करके तुझे जलाकर मार दिया था। तूने जिसे मारा वो मैं नहीं, मेरा शरीर था। तुम मेरी आत्मा को कभी नहीं मार सकते। तुझे मिटाने के लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य तुमसे बात करना नहीं, तुम्हें मिटाना है। तू तो सिर्फ एक आत्मा है, मुझे मिटाना तेरे बस की बात नहीं है। याद रख, मैंने तुझे मंदिर में सबके सामने मारा और तेरी बेटी को बिन मां के अनाथ बना के रख दिया। मंदिर को बंद करवा के अब मैं खजाने को हासिल करने वाला हूं। अब तू ही नहीं, मां वैष्णवी भी आ जाए तो मैं उसे भी मिटा दूंगा। मां वैष्णवी को दुर्गा के रूप में देखा है, लेकिन जब भी दुनिया में पाप बढ़ता है तो वो महाकाली का रूप ले लेती है। तुझ जैसे राक्षसों को मैं अपने हाथों से सीना चीर कर मार देती हूँ। जिस दिन माँ वैष्णवी महाकाली का रूप लेंगी वो आखिरी दिन होगा तेरी जिंदगी का। मुझे डरा रही है? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, नररूप राक्षस हूँ मैं। माँ वैष्णवी को तूने क्या समझ के रखा है दुष्ट? पंचभूतों की शक्ति है माता में। मनुष्य से खिलवाड़ करके तुम बच सकते हो, पशुओं से भी खिलवाड़ करके तुम बच सकते हो, लेकिन देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करके नहीं बच सकते तुम। मेरी बात गौर से सुन। 3 दिन बाद आने वाले आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मैं तुझे मारकर तेरे खून से इस गांव को शुद्ध कर दूंगी। निर्दोषों और निर्बलों की मैं रक्षा करूंगी। तुझ जैसे दुष्ट राक्षसों का मैं संहार करूंगी। दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे मुझसे बचा नहीं सकती। माता के मंदिर में पूरी दुनिया के सामने तूने जिस जगह वैष्णवी को मारा था मैं तुझे वहीं पर मारूंगी। मंदिर के बंद होने से देवी माँ बंद नहीं होती। माँ ने शस्त्र उठा लिया है, त्रिशूल, त्रिशूल। वैष्णवी की बातों से तू घबरा गया है? वैष्णवी की बातों से? जो मर चुकी है वो कैसे बोलेगी? वैष्णवी तो मर चुकी है, लेकिन देवी माँ पर अपनी भक्ति की वजह से आज भी वो आत्मा मंदिर के खजाने की रक्षा कर रही है, और यही वजह है कि आज तक तू उस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाया। मंदिर पर पहरा देने वाली वैष्णवी की आत्मा को हमें उस मंदिर में ही बंधन में बांधना होगा। अमृत घड़ी में अगर वो आत्मा जीवात्मा से मिलकर उस परमात्मा के साथ जुड़ जाए तो नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उस अमृत घड़ी को यम घड़ी में परिवर्तित करके उस आत्मा को जीवात्मा से दूर रखें तो उस वैष्णवी की आत्मा से पंचभूतों की शक्ति को मैं मिटा दूंगा। ये मेरा दावा है। पहले उस जीवात्मा को ढूंढ कर उसे बंदी बनाऊंगा। Thank you.
आपसे एक मशवरा लेने के लिए आए हैं। मेरी ऐसी हालत है कि मैं अपने ही बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैं क्या मशवरा दूंगा? पिछले साल मंदिर के उत्सव में हमने वैष्णवी को खो दिया, तब से मंदिर बंद पड़ा है, फिर से आषाढ़ की पूर्णिमा आ रही है, इस साल उत्सव में क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। वैष्णवी के जाने के सदमा से मैं अभी तक उबर नहीं पाया हूँ, आप लोग जो उचित समझे वही करें। जब हम भटकते थे तो वैष्णवी मार्गदर्शन करती थी, पर अब वो नहीं रही। हर साल धूमधाम से मनाए जाने वाला उत्सव, इसे रोकना उचित नहीं होगा। हर घर की सभी औरतें वैष्णवी की मूर्ति बनाकर हल्दी कुमकुम से उसे सजाएंगी। वो हल्दी कुमकुम से सजी मूर्ति हमारे लिए वैष्णवी का रूप होगी। फिर उस दिव्यात्मा के सामने दीप जलाकर दुख हरने वाली देवी की हम सब पूजा करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटे राजेश। जी बाबूजी। हनी को ले जाकर मेरे बड़े भाई के घर पे छोड़ा। क्या हुआ बाबूजी? परसों आषाढ़ पूर्णिमा है। पिछले साल उसी दिन हमने वैष्णवी को खो दिया था, अब इस साल क्या होगा इसी बात से मेरा जी घबरा रहा है। पापा, मम्मी के लिए भी आइसक्रीम ले जाएंगे ना? ठीक है। बेटी, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? घर पर है। घर पर है? ए, रुक जाओ। पापा, रुक जाओ। फिकर मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिनों की ही बात है। मालिक। मालिक। क्या बात है मालिक? ए, मेरी बेटी को यहाँ क्यों लायो? ए, इस लड़की की माँ कौन है, और जो तेरे घर में है वो लड़की कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरी स्वर्गवासी पत्नी के बारे में पूछने वाला तू कौन होता है? ए, तेरी बीवी को मारने वाला मैं ही हूँ। आत्मा और जीवात्मा का होना जितना सच है, एक ही शक्ल के किसी दूसरे का होना भी उतना ही सच है। वैष्णवी की आत्मा को काबू में करूंगा, उसी रूप में जो जीवात्मा है उसे भी। Oh!
वैष्णवी मैं तेरे दर पे आया, कल्याण कर दे तू दे अपनी छाया। हे वैष्णवी मैं तेरे दर पे आया, कल्याण कर दे तू दे अपनी छाया। बढ़ने लगी है पापों की छाया, माता मैं तेरी शरण में आया। तूने ही धरती से उन पापियों को मिटाया, तूने ही इस जग को महिमा से अपनी चलाया। तेरी ही भक्ति में हाँ इतनी शक्ति है माँ, आज तू अपना रूप दिखा दे। चलते हैं जो तेरे भक्तों को माता, धरती से उनका नाम मिटा दे। तू अपनी अग्नि से उनको जला दे, पापे का अंबर भी ऐसी सजा दे। हे वैष्णवी माँ ये उपकार कर दे, पापियों का तू संहार कर दे। तू अम्बे तू दुर्गा तू रूप काली का, झुकता है सर तेरे आगे बलशाली का। तूने ही बदभस्म असुर का किया था, तूने ही उसका लहू। मंदिर में जो कुछ हो रहा है उसे रोको। यपटेश शिव सन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। मां वैष्णवी देवी, मां वैष्णवी, मां वैष्णवी सबकी मां वैष्णवी। मां वैष्णवी देवी, मां वैष्णवी, मां वैष्णवी सबकी मां वैष्णवी। बंद करो ये पूजा। देवी समान हमारे वैष्णवी की जान लेने वाले इस मंदिर में पूजा नहीं होनी चाहिए। वैष्णवी की मौत के बाद मंदिर के कई श्रद्धालुओं की भी मौत हो गई। गांव की भलाई के लिए मंदिर को हमने बंद किया था। ये तो सही है, लेकिन हर साल मंदिर में ये उत्सव मनाया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। और ये क्या है? हर साल इस उत्सव में वैष्णवी स्वयं उपस्थित रहा करती थी। उसी वैष्णवी का प्रतीक है ये हल्दी कुमकुम की मूर्ति। हम अपनी शक्ति और पूजा के बल से वैष्णवी को फिर से यहाँ बुला लेंगे। हल्दी कुमकुम की मूर्ति बनाकर बुलाने से क्या वैष्णवी यहाँ आ जाएगी? अगर वाकई वो आ सकती है तो बहुत बड़ी मूर्ति बनाकर उसे बुलाएंगे। क्या वो सचमुच यहाँ आएगी? साहब, वैष्णवी के बारे में ऐसा मत बोलिए। वैष्णवी फिर से एक बार मेरे कोख में जन्म ले सकती है। वैष्णवी फिर से पैदा हो जाएगी? वो तुम्हारी कोख में? ए वैष्णवी, क्या तू फिर मेरे हाथों से मरना चाहती है? वैष्णवी को मैंने ही मारा था। ये कैसा अन्याय है? क्या कर रहे हो? ये अत्याचार है। की आत्मा आ जाए या देवी माँ खुद आ जाए, मैं सबको मिटा दूंगा। खजाना हासिल करने से मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती।